जयपुर में आमागढ़ को लेकर चल रहे विवादों के बीच अपनी घोषणा के अनुसार राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सुबह एक दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं के साथ आमागढ़ पैलेस पहुंचे, जहां उन्होंने मीन भगवान का झंडा फहराया। हालांकि इसके बाद पुलिस ने सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को हिरासत में ले लिया था, लेकिन बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। वहीं जयपुर के आमागढ़ फोर्ट मामले को लेकर निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा ने पैदल मार्च निकाला। विधायक रामकेश मीणा ने अपने समर्थकों के साथ गांधी सर्कल से सिविल लाइंस फाटक तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान सैकड़ों लोग पैदल मार्च में शामिल हुए। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मौके पर पुलिस का भारी जाब्ता भी तैनात रहा। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा। यादवेंद्र, जिस प्रकार से आज सुबह हिरासत में लिए गए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन राजधानी जयपुर में अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है और कई लोग गांवों से जयपुर पहुंचे हैं, प्रदर्शन करने के फिराक में हैं, सिविल लाइंस फाटक तक रैली भी निकाली गई है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, जिस तरीके से जो विवाद चला था आमागढ़ पर ध्वज फहराने का, और जो मीणा समाज के लोगों ने जो आज किरोड़ी के नेतृत्व में यहाँ पर जो ध्वज फहराया था, उसको लेके के इस पूरे मामले में तूल पकड़ लिया। और उसके बाद जो विद्याधर थाना पुलिस की जो टीम थी और जो साथ में जो पुलिस का जो कमिश्नरेट की जो टीम थी, वो किरोड़ीलाल को सीधे यहाँ से विद्याधर थाने लेकर के आई और यहाँ लेने के आने के बाद उसको अपनी कस्टडी में रखा। लेकिन उसके बाद जो मीणा समाज के लोग थे, जो समर्थक थे, उनके वो आक्रोशित हो गए और जो भारी मात्रा में जो भीड़ थी उनके समर्थकों की, वो यहाँ पर जुटी रही। लगातार पुलिस के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की और प्रोटेस्ट किया और ये विरोध जताया। इस गिरफ्तारी को लेकर के उन्होंने इसका खासा विरोध जताया और उसके बाद यहाँ पर जो जयपुर पुलिस है उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा को यहाँ पर छोड़ दिया और उसके बाद अब सीधे अपनी सुरक्षा व्यवस्था में सीधे यहाँ से उनको अपने निवास स्थान पर छोड़ करके आई और ये चेतावनी दी है कि अगली बार अगर इस तरह की कानून तोड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर यह रही है कि जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति थी, उसको यहाँ पर जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद रहकर उस पूरे मामले को निपटाया है। और जयपुर शहर में चाहे दिल्ली रोड हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाका हो, चाहे सिविल लाइन हो या फिर नॉर्थ का विद्यानगर इलाका, यहाँ पर पूरे इलाके में पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पर तैनात किया ताकि किसी भी प्रकार का जो माहौल है वो खराब नहीं हो। किसी प्रकार के जो किरोड़ी समर्थक है वो यहाँ पर किसी प्रकार का विरोध कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार तरह का यहाँ पर कोई नुकसान ना पहुंचाए, इन सब चीजों को देखते हुए एहतियात के तौर पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पर तैनात है। साथ में जो आज ध्वज फहराया गया था उसको लेकर के यहाँ पर पाबंदी लगाई गई थी आमागढ़ पर, तो ऐसे में वन विभाग की तरफ से यहाँ पर एक मुकदमा दर्ज कराया गया है ठाकुर नगर थाने में, जिसमें किरोड़ी और उसके समर्थकों के खिलाफ ये मुकदमा है। क्योंकि अभी तीन दिन पहले यहाँ पर जब एक मीटिंग हुई थी यहाँ पर वन विभाग के साथ में और साथ में वहाँ के जो स्थानीय लोगों के साथ में और पुलिस के साथ में, तो इसमें ये तय किया गया था कि किसी भी लोगों को, तमाम जो लोग हैं उनको यहाँ पर जाने की कोई अनुमति नहीं होगी। जी बिल्कुल, कार्य के अतिरिक्त जो कर्मचारी है वो ही यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन ये लोग गए थे और बिना परमिशन के गए थे, ऐसे में वन विभाग के जो अधिकारी थे उनके साथ भी यहाँ पर मारपीट की गई थी और उनको जबरदस्ती मारपीट करने के बाद यहाँ पर ध्वज फहराया गया, तो ऐसे में वन विभाग के अधिकारियों की तरफ से यहाँ पर मुकदमा दर्ज कराया गया है किरोड़ी के खिलाफ। और जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा, जिन्होंने बताया कि फिलहाल किरोड़ीलाल मीणा को रिहा कर दिया गया है, तो साथ ही साथ पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है, अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है।